Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you will be fine. I am teacher of science class from American Islamic School. Let's start now. Open your science book. Chapter number 7. Physical and chemical change and process. Page number 72. Topic name, harmful effects of improper use of fertilizers. यानी कि हमारे इंसान सिस्टम पर होने वाले असरात फर्टिलाइजर्स के जो है इफेक्ट्स वगैरह उसके जो असरात हैं उसका इस्तेमाल बताना. In case of excess breeding, some fertilizers are not absorbed by the plants. These fertilizers may reach into canals and rivers, causing water pollution and encourage the growth of algae. During the manufacture of chemical fertilizers, a lot of fossil fuels such as coal and natural gas is used, due to which our fossil fuel rivers are reducing quickly. इसमें हमारे पास ये होता है कि कुछ चीज फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन ये ऐसे फर्टिलाइजर हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ले सकते हैं झीलों से, दरियाओं से और नदी वगैरह से जिसमें पानी की क्या पोल्यूशन वगैरह हो, जो इसकी ग्रोथ में जो है हमारे पास फायदेमंद हो. लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, जैसा कि हमारे पास जो गैस वगैरह होती है ये हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है. ये रिवर्स इसकी रिड्यूसिंग है, जो बहुत तेजी से ये रिड्यूस होते हैं. यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है अगर हम उनको बर्न करें तो ये बहुत जल्दी से ना ये गैस वगैरह में या फिर ये हमारे पास स्मोक वगैरह में चेंज हो जाते हैं. ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.